अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना रईस। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। इतनी शदीद गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम शेयर करेंगे दूध की बोतल किस तरह घर में बनाई जा सकती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, जब आप इसे बनाएंगे तो आपके बच्चे और बड़े बेहद शौक से इसे पियेंगे। और अगर हम मार्केट की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है ये। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम इसे जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी से ठंडा करते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं रेसिपी की जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक पॉट में हमने 1 लीटर मिल्क लिया है। ये रेगुलर मिल्क है, आप चाहें तो टेट्रा पैक या फुल क्रीम मिल्क भी इसके अंदर ले सकते हैं। भैंस का, गाय का, जो भी आपके पास हो वो आप इसके अंदर मिल्क ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर बॉईल आ गया है और तकरीबन 10 मिनट से ये मिल्क हमारा इसी तरह पक रहा है स्लो फ्लेम पर। अब कुछ चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टेस्ट के हिसाब से हमने इसके अंदर ऐड करनी है शुगर। जितनी आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने हाफ प्याली के करीब ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे कि चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए। और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ प्याली के करीब खोया। आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कलाकंद भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स होने तक, इसको पूरा डिज़ोल्व होने तक चमचे चलाते रहेंगे। गैस फ्लेम हमारी स्लो है, स्लो फ्लेम पर ये जब तक पकता रहेगा। बड़ी अच्छी तरह से देखें, मिल्क यहाँ पर हमारा पक रहा है, अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। और आप देख सकते हैं बलाई की भी एक तह आ रही है। इसको हम स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से क्लीन करके सेंटर में ही लेके आते रहेंगे। अच्छा जी, खोया वगैरह जो भी हमने इसके अंदर ऐड किया था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मेल्ट हो गया है। शुगर भी हमारी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन अभी मज़ीद हमने इसे 10 मिनट तक इसी तरह पकने देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसके अंदर हम आधी प्याली के करीब पानी ऐड करेंगे, आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे डिज़ोल्व करेंगे, बिल्कुल इसे हल कर लेंगे, मेक श्योर रहेंगे कोई भी गुठली या कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। अच्छा जी, आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, हम इसके अंदर नट्स ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर रही हूँ। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से ये पक गया है। इसका आप कलर भी चेक करें, वाइट से लाइट फॉन कलर में ये तब्दील हो चुका है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रेजुअली जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार किया था। ऐड करते जाएंगे, चमचे चलाते जाएंगे। अब मज़ीद 10 से 15 मिनट हमने इसे इसी तरह पकाना है। चलें जी, मज़ीद 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी अच्छा खासा सा हो गया है। ये देखें, मज़ेदार सा हमारा अभी मिल्क रेडी हुआ है, बोतलें अभी हम तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब गैस फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इसे हमने किसी ठंडी जगह पर रखना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। फैन के आगे रख दें और इस तरह स्पून की मदद से इसकी जितनी भी स्टीम है सारी हमने निकाल देनी है। इस तरह हम करेंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। बस इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद हमने इसे बोतल में फिल करना है। चलें जी, देखिए हमने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। और आप देख सकते हैं इतना अच्छी तरह से गाढ़ा भी हुआ हुआ है। अब हम इसे बोतल में फिल करते हैं। इसके लिए जो भी आपके पास खाली बोतल हो, ग्लास की हो या प्लास्टिक की हो, जो भी हो वो आप ले सकते हैं। कीप रखेंगे और इस तरह हम इसके अंदर इसमें ऐड कर देंगे। जितनी भी बोतलें भरी जा सके आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। चलें जी, दूध की बोतल बिल्कुल रेडी है।
अब हम इस पे लीड लगा देंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि बहुत अच्छी सी ठंडी हो जाए, चिल्ड हो जाए और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।